अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फूलों के रंग से हम एक बार फिर हाज़िर हैं। आज एक स्पेशल एपिसोड, स्पेशल गेस्ट 14 अगस्त के हवाले से। आज जो हम गेस्ट लेकर आए हैं, उन्होंने इस गुलदस्ते को जो है वो बनाया है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम गुलदस्ते से फूल लेकर आते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुलदस्ता बनाया है। और आप सबके जाने माने हैं, बहुत मेरे बहुत फेवरेट हैं और बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं और मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बाकी मैं शुएब को कहूँगी कि वो बताएंगे। जी नाज़रीन, Z9 डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आज जो दो लोग हमारे साथ हैं वो तो हमारे दिल के इतने करीब हैं कि बताना मुश्किल है। उनसे जब बात करेंगे तो तब आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन मैं यहाँ भी ये कहता चलूँ कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरे लोग भी हमें कहते हैं या लोगों को कहते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और इनसे मिलना चाहिए और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मैं आपका, जिस तरह मुबीना ने कहा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हमारे साथ हैं आज अलीशा और राबिया शाह। अलीशा के बारे में मैं बता दूँ कि वो Z9 मीडिया के फाउंडर हैं और राबिया शाह जो प्रेसिडेंट हैं Z9 डिजिटल टीवी की। आज हम उनको अपने प्रोग्राम फूलों के रंग से Z9 डिजिटल टीवी की तरफ से स्पेशल एपिसोड में उनको वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच अलीशा एंड राबिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? आज 14 अगस्त है तो क्या प्लान है, क्या हो रहा है? हम तो आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मैं नाज़रीन यहाँ पे ये ज़रूर ऐड करूँगा कि हमारी ख्वाहिश थी सबकी कि हम ग्रीन जो है वो ग्रीन तरीके से ड्रेसअप हों, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके वजह से हम ग्रीन कुछ भी नहीं पहन सकते। तो जैसा मैंने कहा कि हम उनको आज वेलकम करते हैं और उनसे आज चिट चैट होगी और उनके बारे में जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनके प्यार के बारे में जानेंगे, उनके बच्चों के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि वो कैसे लाइफ गुजारते हैं और अपने दिन रात में किस तरह अपने आप को बिजी रखते हैं। वैसे भी माशाल्लाह ये दोनों इतने क्यूट हैं ना, तो एक दूसरे के साथ इतने जचते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने या कॉम्प्लीमेंट और इतने प्यार से तारुफ कराने के लिए। और थैंक यू सो मच जी अलीशा भाई। मुझे ना मेरे जो आपके टीचर हैं और मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे जब हम पहली दफ़ा मिले, आज से मेरा ख्याल 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, आई थिंक 13-14 साल हो गए जी, तो घर जाके उन्होंने मुझे आपके बारे, आप दोनों के बारे में जो एक कॉम्प्लीमेंट दिया, उन्होंने कहा शुएब कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलके मज़ा आता है और कुछ लोग होते हैं जो मिलने वाले होते हैं और राबिया और अलीशा उनमें से एक हैं, तो आप ज़रूर मिला करें इनसे। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था और बहुत इज्जत से उन्होंने, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था और कमिंग फ्रॉम सर जफर। और आपको पता है सर जफर हमारे ना सिर्फ टीचर हैं बल्कि हम टीचर से भी ऊपर की एक उनको हैसियत देते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत इन्फ्लुएंस रहा है उनका, उनकी बातें, उनका उनका सब कुछ ही, बिल्कुल हमने उनको हमेशा अपना रोल मॉडल की तरह देखा है। हाँ, मैं यहाँ पे ये भी अलीशा आपसे शेयर करूँ कि मुझे अगर ज़िंदगी में कोई पूछे कि आपका आइडियल कौन है, जिन्होंने हमें बहुत बातें सिखाई, ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में बताया, लॉजिक के बारे में बताया, रीजनिंग के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया, वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि उनको हम जो है वो बिल्कुल याद रखेंगे। अच्छा अलीशा, आपकी तरफ आते हैं, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतने स्मार्ट कैसे हैं? राबिया आपका ख्याल रखती है या स्मार्ट? इसमें बेगम का भी हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है भाई। और आज तो राबिया भी बहुत अच्छी लग रही है हमेशा की तरह। अच्छा, आपने सुना आज तो राबिया भी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा हमेशा की तरह, मैंने कहा हमेशा की तरह। ठीक है ठीक है।
और बहुत माशाल्लाह प्यारी लगती हैं और इनोसेंट भी लगती हैं। ये तो है, चले अगर आप कहते हैं तो मान लीजिए, ये है भी इनोसेंट है। नहीं, वाकई है। इसमें वो चूचरा की नहीं है, बेगमात वाली। लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपको खुद ही आइडिया आ जाता है कि कौन पर्सन कैसा है। ये सब चीजें आई थिंक अपने पेरेंट्स से ली है मैंने। पेरेंट्स से, बिल्कुल बिल्कुल सही। कहते हैं कि इंसान, वो कहते हैं ना, जितने फल को जितना वो क्या कहते हैं, दरख्त जितना फल लगता है वो झुकता चला जाता है। तो अल्लाह मियाँ जिस तरह नवाजता जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते चले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आजिज रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले आते हैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ की तरफ। जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, आप बेसिकली कहाँ, किस शहर से हैं पाकिस्तान? मैं लाहौर से। और अली भाई आप? मैं फैसलाबाद। फैसलाबाद भी नहीं, फैसलाबाद से आगे गाँव है तानलियावाला। तानलियावाला, अच्छा। तो ये लाहौर और फैसलाबाद के कैसे ये जोड़ी जो है ये बनी? जोड़ी कैसे बनी? जोड़ी एक लंबा सफर है। अच्छा, ये लंबा सफर, लंबा सफर है, ये वो रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना जोड़ी। इसलिए कि वो जैसे आम एक हालात में कोई भी जो बच्चा मैट्रिक करता है उसके बाद निकलता है, उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, मैं शहर जाऊंगा, पढ़ूंगा, इस तरह से। तो मेरा भी गाँव से एक बड़ा आदमी बनने के लिए 84 की बात है। तो 84 में मैंने लाहौर स्टडी के लिए आया, तो मैंने ग्राफिक आर्ट्स में, आपने भी ग्राफिक आर्ट्स ज्वाइन किया लेकिन छोड़ दिया, जिसका मुझे अफसोस है। तो 84 में मैंने ग्राफिक आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया, तो उसके बाद 84 से 87 तक वहाँ, और उसके बाद फिर 92 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राफिक 90 तो शाम को सेकंड ईयर के बाद मैं जॉब गुलाम मोहम्मद दीन मोहम्मद प्रेस था, जहाँ पे कुरान मजीद और ये सारे प्रिंट होते हैं, उर्दू बाजार में, तो वहाँ पे पार्ट टाइम रात को काम करता था। लेकिन अल्लाह ताला ने आज आपकी मेहनत का फल आपको कहाँ तक पहुँचा? हाँ, उसमें बहुत सारे जिसे कह लें कि लोगों की सपोर्ट भी है मुझे। वो तो फिर सफर चल मतलब जैसे यूनिवर्सिटी, उससे पहले ग्राफिक आर्ट्स में थे, तो उसमें मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, हफीज है, मुमताज है, तब से हम मतलब प्रिंटिंग का सोचते थे, ये करना है, ये करना है, इस तरह काम। लेकिन मैं यहाँ पे ये ऐड करता चलूँ कि नेक नीति जो होती है और ऑनेस्टी, वो बहुत किरदार अदा करती है आपको प्रॉस्पर करने में, आपकी एक शख्सियत बनाने में, आपको माशरे में एक अच्छा मकाम देने में। तो राबिया और अलीशा बहुत नेक नीति से काम करते हैं और बड़े ऑनेस्टी काम करते हैं। ये सिर्फ इनकी तारीफ नहीं है, ये वाकई ही ऐसे हैं और बड़े डाउन टू अर्थ हैं। तो अलीशा, वो प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स का आप बता रहे थे। हाँ, प्रिंटिंग ग्राफिक आर्ट्स बेसिकली तो वो 3 साल का डिप्लोमा था, उसके बाद मैंने जॉब की, फिर उसी डिप्लोमा बेस पे ही मैंने पंजाबी फाइन आर्ट्स जो है उसको ज्वाइन किया। उसमें फिर आपने एमएफए किया? हाँ, वहाँ पे फिर मैंने मास्टर ग्राफिक डिज़ाइन में किया, और वहीं से बेगम भी मिली और डिग्री भी मिली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ तो मेरे डबल डबल एहसान है मेरे ऊपर। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया। तो जब आप यूनिवर्सिटी में गए तो राबिया जब आपको मिली, तो फर्स्ट टाइम किस तरह, क्या कुछ याद तो होगा आपका, कौन कैसे मिला, किसने किसको देखा, किसने किसको देखा, इनको कितना कुछ याद है। फर्स्ट ईयर में जब लोग हम मतलब गए फर्स्ट ईयर, तो आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही अभी थे हम लोग, तो हमारे किसी क्लास वालों की बर्थडे थी, या तो तुम्हारी थी फर्स्ट ईयर में, मेरी बर्थडे थी, इसी की बर्थडे थी शाम को, तो हमने वो अरेंज किया था सारा ना। तो बहुत सब बड़ी पार्टी, जैसे आम हालात में तो जैसे कैजुअल आते जाते, लेकिन वो बर्थडे पे मुझे जरा सब तैयार थे, तो थोड़ी सी डिफरेंट एक जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी लुक लगी। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा माहौल बनता गया, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरा माइंड जैसे कहते हैं नहीं, माइंड नहीं, फिर आपके दिल ने क्या कहा, माइंड ने वो जिसे कह रहे
दिल में कुछ चुभन हो तो फिर माइंड को भी थोड़ा सा इशारा जाता है ना कि कुछ हो रहा है. तो आई थिंक उस दिन से थोड़ा सा जो है ना मेरी फीलिंग. तो ये फीलिंग्स आपने अपने तक ही रखी और राबिया तक काफी देर तक मैंने अपने तक रखी है. अच्छा. हाँ जैसे कहले मीठी नजर. अच्छा राबिया से भी तो पूछते हैं जी राबिया आप बताएं जरा. नहीं मुझे ये बताएं राज की बातें हैं. नहीं नहीं मुझे मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अली से पूछ रहे हैं ये बात. आपको कभी भी ये बातें पता नहीं होंगी लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में. मेरे पास एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो गिफ्ट था बर्थडे पे वो क्या दिया इन्होंने ये बता. मुझे वो पता नहीं याद देखो मैंने दिया था मुझे इतना याद तो मुझे भी याद नहीं. हाँ लेकिन मैंने गिफ्ट दिया था मुझे याद है फ्लावर्स दिए थे बहुत बड़ा बुके दिया था आपने मुझे. और आज ही मैं अपने बच्चों को बता रही थी कि कितने साल हम मैं और बाबा साथ पढ़े. तो बस जब नजर इन्होंने रखी काफी अरसे तो म्यूचुअल नहीं रहा ये चीज क्योंकि मेरे नजरियात थोड़े से डिफरेंट थे. मुझे जाहिर है एक डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड था कल्चर डिफरेंट फैमिली डिफरेंट सब कुछ डिफरेंट और घर से बड़ा समझा के भेजा गया था बेटे आप पढ़ने जा रहे हो तो इधर उधर नज़र जो है उसको कंट्रोल करना है और मैं काफ़ी कंट्रोल में ही रही लेकिन बता ही देती हूँ आज के नहीं दो तीन साल जी मैंने बिल्कुल ना ही रखी. अच्छा. मैंने कहा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि और मुश्किल है सर्द जंग के चलती. हाँ काफी अरसे चलती रही काफी ऐसा नहीं था कि इधर इन्होंने प्रपोज किया है डाइवर्स डैडी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. रेजिस्ट किया काफी 3-4 साल लगे इनको मुझे मनाने में और मैं मानती थी फिर से रूठती थी फिर से मानती थी कुछ ऐसा ही चलता था. लेकिन एंड में जब मैंने देखा कि एक इंसान इतनी आप कह लें कि चाहत से और इतनी वो एक लव्स होता है ना प्रिसिस्टेंट थे ये बहुत ज़्यादा कि बस नहीं करनी है तो तुम्हारे साथ करनी है बस तुम हाँ कर दो. तो फिर मैंने कहा जी मिलना है तो फिर मेरे पेरेंट्स से मिले जाके. तो फिर ऐसे ही हुआ फिर ये मेरे पेरेंट्स से मिले जाके उनको मनाया मेरी अम्मी को फिर ये अच्छे लगे हाँ हुई तो फिर मैंने हाँ की. अच्छा बिल्कुल. तो इस हाँ में 3-4 साल लगे. हाँ नहीं लेकर हम वो पहले दिन से फाइनल ईयर तक. हाँ हम कोई वो तोता मैना तो थे ही नहीं वैसे बिल्कुल नहीं थे. एक प्रैक्टिकल लाइफ हालांकि हम इकट्ठे फिर ना हमने ऑलमोस्ट सेकंड ईयर में हमने ऑफिस भी शुरू कर लिया था Z9 की बुनियाद जो है जो नाम है आप सोचें 92 में हमने शुरू किया. मैं अली जब पूरे स्टूडेंट्स हमारी पूरी जो क्लास डिपार्टमेंट है 3 बजे जब हमारा डिपार्टमेंट बंद होता तो एक क्रिकेट की गेम शुरू होती थी कोई खेल रहा है कोई कुछ कर रहा है तो हम लोग आराम से अपने ऑफिस चले जाते थे. और वो ज़माना था जब सारे गप्पे मार रहे हैं या बैठे हैं तो हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना आप सोचे आपको पता ही फाइन आर्ट्स 92 से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर ली थी. 92 में हमने Z9 की बुनियाद रखी. Z9 पाकिस्तान से. हाँ पाकिस्तान से. Z9 का सफर हमारे साथ चल रहा है. Z9 जो है 92 से एस्टेब्लिश हमने. नाज़रीन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दूँ कि दोनों अलीशा और राबिया ने MFA किया है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स और डिज़ाइनिंग में किया है ग्राफिक डिज़ाइन में. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. और जैसे राबिया ने अभी कहा कि उस वक्त ये थोड़ा सा शाई थी और इनकी जैसे फैमिली बैकग्राउंड थी और उन्होंने इनको बताया कि जो है वो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए. लेकिन आजकल का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है क्यों अलीशा आप मुझे. आजकल का माहौल ऐसा है कि जैसे बच्चे जाते हैं स्पेशली तो माँ बाप उनको ये एडवाइस कर देते हैं यूनिवर्सिटी में अगर कोई आपको अच्छा लगे. Actually, तो आप ऐसा भी हमारे वक्त में भी ऐसा नहीं था लेकिन वो थोड़ा सा ये था कि जिसे कहें कि प्रेशर था एक पीयर प्रेशर था. हाँ, बहुत कम होता था लेकिन शादियां उस वक्त भी होती थी लव मैरिज उस वक्त भी होती थी. लेकिन हमारे अगर मेरे जो स्टाइल था वो थोड़ा डिफरेंट था. थोड़ा डिफरेंट जरूर था लेकिन मैं ये जरूर सोचती थी ये मैं शेयर करना चाहूंगी कि देखिए अरेंज मैरिजेस होती हैं हमारी सोसाइटी में मोस्टली 90% अरेंज मैरिजेस होती हैं. लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि मैं आई थिंक अरेंज मैरिज के लिए नहीं बनी थी. मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती थी
जिसको मैं पहले से नहीं जानती या मेरे लिए अरेंज कर दिया जाए उसको, बिल्कुल, मुझे जिसके साथ मैंने जिंदगी गुजारी उसको समझने में ही 5-6 साल लगे, तब मैंने कहा कि हाँ इस शख्स के साथ मैं रह सकती हूँ। तो मुझे लगता है मैं तो अरेंज मैरिज के लिए नहीं बनी थी, तो इसलिए मैं सच बताऊंगी कि अगर मतलब अली ने जिस तरह से भी अपनी लगे रहे और हमारी फ्रेंडशिप भी हुई, बीच में लड़ाइयाँ भी हुई, ब्रेकअप जो आजकल ब्रेकअप जिसे कहते हैं, हर दूसरे दिन लड़ाई होती थी, ब्रेकअप पे ही चलता था ज्यादा, हाँ शादी वो तो हर दूसरे दिन लड़ाई होती है बहुत। अच्छा नहीं अलीशा मुझे ये बताइए, बहुत लड़ते थे आप, तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत मेहनती हैं, नहीं लेकिन कौन सी ऐसी बातें थी जिनकी वजह से थोड़ी सी हूं मैं लेकिन सॉफ्ट स्पोकन जो है, लेकिन मेरे अंदर जो है वो बहुत जहरीला आदमी है। हाँ मैं मतलब एक कि बाई नेचर जो हूँ, जिसे कह लें कि एक खसलत होती है इंसान की जो पेरेंट्स की तरफ से मिली, वो इंतहा गुसीला आदमी हूँ। वैसे जो मैंने नहीं कभी देखा, लेकिन इसने नहीं मुझे मैंने, देखा लेकिन मैंने वो गुसीला आदमी और कभी वो, नहीं देखा। वो शादी के बाद चेंज हुआ है आदमी। अच्छा हाँ शादी के बाद, शादी से पहले मैं टोटली एक डिफरेंट आप कह सकते हो कि मैंने आपको चेंज किया, हाँ चेंज किया या कि मैंने खुद अपने आप को ज्यादा चेंज किया, मुझे अब चेंज की जरूरत है, इसलिए कि जब आप शादी कर लेते हैं तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, अडैप्टेबिलिटी, अगर आप वही हरकतें शादी के बाद भी रखते हैं तो फिर आप अपने पार्टनर को खुश नहीं रख सकते। अब ये मेरे साथ लड़े बोले कुछ भी करे, मैंने इसको कभी भी मुंह चढ़ के जवाब नहीं दिया, बैठी आप पूछ सकते हैं, और ना कभी मैंने ना ही कभी इसने मुझे कोई, हमने कभी आर्गुमेंट किया ही नहीं, क्योंकि वो मौका हाँ छोटी मोटी चीजें होती है वो घर में वो, तो वो होनी भी चाहिए, नोक चोक जरूर होती है लेकिन हाँ हेल्दी के वो आपका एक प्यार मोहब्बत होता है, अगर वो नहीं करते इट मीन्स कि आप एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, आपको बात करने नहीं चाहते एक दूसरे की, तो आप केयर ही नहीं करते कि आप अगर एक दूसरे को नोक जोक नहीं करते तो ये चले। राबिया की मदर आप लोग गए रिश्ता लेकर गए, आपके यहाँ क्या हालात थे जब आपने बताया कि इस तरह मैं, मेरे थोड़े से फैमिली इश्यूज थे। अच्छा लेकिन ये कि वालदा को मैंने समझाया तो वालिद की तो डेथ हो चुकी थी तब तक, तो उन्होंने कहा बेटा आपकी मर्जी है आपने जिंदगी गुजारनी है, तो उन्होंने कोई कोई ऐसी रुकावट नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी, भाई थे वालदा थी उनको, उन्होंने कहा ठीक है भाई जैसे जवान तुम्हारी खुशी हम तुम्हारे साथ है, तो चले अल्लाह मियां आपका साथ सलामत रखे और इसी तरह फलते फूलते रहे। उनकी तरफ से नोक झोंक जो है वो तो हमारी आपस में रेजिस्टेंट थी, लेकिन फैमिली ना इसको प्रॉब्लम, फैमिली से ही ना मुझे फैमिली से प्रॉब्लम। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आप फैसलाबाद के थे, आप लाहौर की थी, तो आप हॉस्टल में रहते थे क्या करते थे? हाँ मैं लोकल हॉस्टल में था पंजाब। अच्छा तो वहीं से फिर आपने Z9 का ऑफिस बनाया लाहौर में? ऑफिस हमने 92 में मॉल रोड पे चुगताई चैम्बर था वहाँ से शुरू किया था 92 में, मैं था हमारे साथ हमारे एक सीनियर अवैस थे अयूब क्वेटा से था, उस अयूब जो है वो इस नाम को सोचने वाला बंदा Z9 उसने सोचा था और हम उससे, मुझे भी नहीं था कि ये Z9 इसने क्यों, तो मैंने अयूब से कहा भाई तुमने Z9 नाम तो रख दिया, ना तो इसका नाम जेड से शुरू होता ना मेरा और ना ही 9 से शुरू होता, तो उसने मुझे ब्रीफ किया कि भाई Z9 मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि आपका डिज़ाइन और प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो Z9 जिसे कह लें कि ग्राफिक डिज़ाइन और प्रिंटिंग का एंड है, जेड जो है वो अल्फाबेटिकली जेड ए से शुरू होता है और जेड पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप वापस जाते हैं ए पे, और इस तरह 9 जो है वो प्रिंटिंग को कह लें कि आप 1 से शुरू और 9 पे एंड, उसके बाद 0 है, तो Z9 जो है वो दी एंड है डिजाइन और प्रिंटिंग के लिहाज से। तो अयूब साहब अभी भी आपके फ्रेंड है? अयूब मेरे बहुत प्यारे फ्रेंड है। अयूब साहब देखें अलीशा साहब ने अभी भी आपका नाम लिया और कभी नहीं भूले आपको, और आपको अपने प्रोग्राम में इतने ऑनर से पेश किया, अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप अलीशा को एक वर्चुअल हग भेज दें, अगर आप कनाडा में तो ज़रूर आकर उनको शुक्रिया अदा करें, और अगर आप कहीं और हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि कोई इंसान इतने अच्छे लफ्जों में किसी को याद और करें इतने अरसे बाद। तो हम चलते हैं ब्रेक पे और वापस आते हैं थोड़ी देर में ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, अलीशा और राबिया हमारे साथ हैं और हमारे गुलदस्ते का, हमारे प्रोग्राम के दो बहुत खूबसूरत फूल हैं, बल्कि मैं तो उनको गुलदस्ता ही कहूँगा, जितने खूबसूरत लोग हैं वो। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ फिर मैं रिपीट करूँगा कि अलीशा और राबिया, हम उनके यूनिवर्सिटी के डेज की बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले, अलीशा ने जैसे प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स से एक डिप्लोमा किया, मैं भी उस कॉलेज में गया, अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू नहीं कर सका। उसके बाद वो ऐसा ज़बरदस्त कॉलेज था जहाँ पे प्रिंटिंग और ग्राफिक आर्ट सिखाया जाता था, और वहाँ पे जो है वो अलीशा ने एजुकेशन हासिल की। उस डिप्लोमे के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया और फिर मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जो ये शो होता है और ये चीज़ें दिखती हैं जब आप अपने क्लाइंटल और अपने क्लाइंट्स का काम करते हैं और जब आप उनके साथ निगोशिएट करते हैं, तो ये सारी एक स्किल्स होती हैं, स्किल्स का सेट है जो इन दोनों राबिया और अलीशा के पास है। तो अलीशा, हम इसके बारे में थोड़ा सा और ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करें कि कैसे आपको शौक हुआ और कैसे आपने ये सफ़र तय किया। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो भी इंसान होता है, पैदा होता है, तो उसके अंदर कुछ कुदरत की तरफ से गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्टिक जिसे कहने की चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है मेरे भी वही चीज़ थी जो कि मुझे इस तरफ लेके गई। मुझे वो बचपन में तस्वीरें बनाना स्कूल में होते सबसे ईजी होता था, सूरज बनाना और वो परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं और उस तरह। तो ग्राफिक आर्ट्स का जो है वो, तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी, तो उस पर अप्लाई किया और एडमिशन हो गया मेरा, चूँकि नंबर वगैरह लाहौर में ग्राफिक आर्ट्स में। तो असल वहाँ से सिलसिला जो है ये ग्राफिक आर्ट्स का शुरू हुआ। तो 84 से 87 तक मैंने वो डिप्लोमा किया उसका, पेंटिंग का। लेकिन उसमें हमने बड़ी डेप्थ में, आपने भी कुछ अर्सा गुजारा, आपको पता है कैमरा ऑपरेटिंग, उसके बाद फिल्म मेकिंग, ये वो सारे प्रिंटिंग से रिलेटेड जितनी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, सारा चीज़ें शामिल होती। तो वो मैंने किया। उसके बाद मज़े की बात ये कि डिप्लोमा के बाद फिर मैंने 3 साल फ्रोज सन्स में जॉब की है, प्री प्रेस प्रिंटिंग में ना। और वो जो 3 साल मेरे थे, मैंने फिर उन 3 सालों में प्राइवेट जो है तैयारी करके बीए का भी एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा मेजर सब्जेक्ट जर्नलिज्म था जो कि मैंने वहाँ पढ़ा, और उसके साथ थे पॉलिटिकल साइंस, और ये मेजर मेरे सब्जेक्ट थे, और उसमें मेरी मतलब है कि फर्स्ट डिवीजन है। मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। देखें जी, अलीशा साहब ने जर्नलिज्म में भी स्टडीज़ की हैं और बैचलर्स जो है वो उनका उसी में है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये एडिशन भी करना चाहता था कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ उनकी जो पहले बैचलर्स था वो उन्होंने जर्नलिज्म भी स्टडी किया। जी अलीशा, मैंने बैचलर किया मतलब फाइन आर्ट्स से पहले फ्रोज सन्स में होते हुए ना, उन्हीं दिनों में फिर ये फाइन आर्ट्स के एडमिशन शुरू हुए। तो मैं, पता नहीं आप जानते हैं, महमूद हसन रूमी साहब थे वहाँ हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसके डिज़ाइन के फ्रोज सन्स में। तो मैंने ऐसे एक दिन ड्राइंग की तो उनको दिखाई, मैंने कहा सर देखे ड्राइंग कैसी है। तो मुझे वो कहते हैं यार तुम्हारी इतनी खूबसूरत वाली ड्राइंग, तुम तो बड़ी अच्छी ड्राइंग करते हैं, तुम्हें तो फाइन आर्ट्स में जाना चाहिए। मेरे कान खड़े हुए, मैं तो पहले जेन में था कि कुछ करना चाहिए आगे इसमें ना। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो वो मुझे एक दिन फाइन आर्ट्स शाहनवाज जैदी साहब के पास ले गए। तो मुझे कहते उनसे जाके मिलाया और मुझे कहा यार जैदी इनको बस अपना स्टूडेंट बना लें। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है, इनसे यहाँ ड्राइंग्स की क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट्स करवाते हैं तो वहाँ आप आया करें। तो फिर वहाँ से मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दी, वो जो प्री एडमिशन होती है। जी जी बिल्कुल। तो वो अलहमरा आर्ट सेंटर में, अलहमरा में, लेकिन फाइन आर्ट्स में भी स्टूडेंट्स को करवाते थे। तो फिर मैंने वहाँ खैर तैयारी की, एडमिशन हो गया, फाइन आर्ट्स में चले गए। और मज़े की बात ये है कि 90 में हमारा एडमिशन हुआ और 92 में फिर जो है मैंने थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे ही ग्राफिक आर्ट्स कॉलेज में जॉब्स आई। तो मैंने लेक्चरशिप की, हाँ लेक्चरशिप की। दैट वाज 95
95 था हमारे बैचलर के बाद। हाँ नहीं अभी बैचलर नहीं आया, बैचलर का हमारा रिजल्ट नहीं आया था, बीएफए का बीएफए का रिजल्ट नहीं आया था। तो मैंने फिर इस डिप्लोमा और जो मैंने बीए किया हुआ था उनकी रिक्वायरमेंट थी डिप्लोमा प्लस बीए कि अगर वो आपने किया है तो फिर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं थ्रू प्रॉपर पब्लिक सर्विस में। और ये तब की बात है जब हमारा निकाह हुआ था। हाँ उस दिन आपको उस दिन न्यूज आई थी कहली की जॉब हो गई है। तो खैर मैंने वो वहाँ टेस्ट दिया, एग्जाम इंटरव्यू हुआ तो मेरी उसमें एज ए इंस्ट्रक्टर ग्राफिक आर्ट्स कॉलेज में 95 में फिर जॉब हो गई। तो साथ साथ फिर स्टडी भी चलते रही, सुबह यूनिवर्सिटी शाम को मेरी वहाँ क्लासेस होती थी चले जाना पढ़ाने के लिए, क्योंकि उस वक्त वहाँ इवनिंग क्लासेस थी। ओके। शाम 6 से रात 8-9 बजे तक चलता था। तो फिर वहाँ मैंने तकरीबन कोई 10 साल पढ़ाया मैंने एज ए इंस्ट्रक्टर, और साथ साथ डिप्लोमा भी हो गया फिर मास्टर भी हो गया ये ग्राफिक डिज़ाइन। Z9 भी चलता गया साथ साथ, Z9 माशाल्लाह पहले स्टूडियो था फिर प्रेस में कन्वर्ट हो गया। जब यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए जॉब फुल टाइम फिर होगी कॉलेज में, फिर पार्ट टाइम प्रिंटिंग का बिजनेस चलता गया, सुबह डिप्लोमा क्लासेस पढ़ाना फिर उधर आ जाना। तो मैंने तकरीबन 10 साल जो है एज ए इंस्ट्रक्टर पढ़ाया ग्राफिक डिज़ाइन। तो ये आप शुरू से ही माशाल्लाह वहीं से Z9 को लेकर आए हैं, ये नहीं कि आप कनाडा आए और कुछ समझ नहीं आ रही जैसे लोग। बहुत शुरू से मोस्टली आप जैसे 92 से जब हम बिल्कुल बच्चे थे स्टूडेंट, बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ से आपने ये Z9 को शुरू किया। प्रैक्टिकल लाइफ जो है 87 से शुरू है और ये पाकिस्तान से कनाडा तक जो सफर है, ये ऐसा नहीं कि आप आए तो जैसे सॉरी टू से कई लोगों को मैंने देखा कुछ नहीं आता क्या करें चले ये काम कर लेते। नहीं नहीं हम आपका नहीं वैसा है सिलसिला हम, नहीं है। हमने मेहनत की है, मेहनत की भी और प्रॉपर एजुकेशन है। एक बात है कि शादी तो हमारी 96 में हुई लेकिन हम मतलब 92 से प्रैक्टिकल लाइफ में है और हमारा जिसे कह लें कि पहले दिन से जो प्रोफेशन है हमने उसी को नहीं छोड़ा उसको भी पाकिस्तान से यहाँ लेकर आए। जब हम लोग कनाडा में आए तो आपको आपकी फील्ड की जॉब्स नहीं मिलती, नहीं मिलती तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को मिल गई और एक न्यूज़पेपर था इंग्लिश का उसमें अली को भी मुझे जॉब मिल गया एज ए डिज़ाइनर। हमने 3 साल उधर काम किया फिर एक प्रेस में अली को जॉब मिल गई। फिर मुझे लगा बच्चे छोटे हैं मुझे थोड़ा ब्रेक लेनी चाहिए, मैंने ब्रेक ली। उसके बाद 3 साल तो अली ने जॉब की। फिर मैंने अली से एक दिन कहा कि अली Z9 की बड़ी याद सता रही है और Z9 3 साल हुआ कि हम Z9 हमारे पास नहीं था। 2010 में हमने फिर हमने 2010 में दोबारा कंपनी रजिस्टर की अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे याद है जब आपने कनाडा में इस मैगजीन जो है जी मैगजीन जी तरफ चलते हैं बस बैठे नहीं हम दोनों काम करते रहे। उसमें मुझे याद है मैं आर्टिकल भी बिल्कुल आप आर्टिकल लिखा करते थे। तो वही मैं बता रहा था कि ग्राफिक आर्ट्स में मैंने तकरीबन 10 साल एज ए इंस्ट्रक्टर और उसके बाद दोबारा फिर मैंने थ्रू कमीशन जो है एज ए सीनियर इंस्ट्रक्टर वहीं इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग में मैंने सीनियर इंस्ट्रक्टर साथ 2 साल पढ़ाया। तो आपको तो इसकी ए टू जेड सब कुछ पता होगा। अब ये कैमरे या ये जो हम स्टूडियो में बैठे ये तो हमारी टिप्स पे हैं जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, हम तो मतलब कि 90 से इन कैमरों के साथ और जैसे आपने शुरू में बात की थी सर जफर की हमारे जो टीचर हैं और मैं बताती चलूं वो शुएबुल्ला के बड़े भाई भी हैं। तो सर जफर हमारे मार्केटिंग के टीचर थे, हमने मार्केटिंग पढ़ी, हमने डिज़ाइन पढ़ी, हमने ग्राफिक आर्ट्स पढ़ा, हमने फोटोग्राफी पढ़ी, ड्राइंग पढ़ी, इसके अलावा हमने सारी थ्योरी पढ़ी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट जो है मास्टर्स पढ़े हमने। तो आप सोचें कि हमारा जो मार्शल यूनिवर्सिटी का मास्टर्स होता है वो आपको एक सही मास्टर बना के मास्टर पीस निकाल के भेजते हैं। बिल्कुल सही। और माशाल्लाह आप सोचें हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं हमारे अपने क्लास फेलोज सीनियर जूनियर कोई आप देखें अभी भी कोई लेक्चरर है, कोई अपनी कंपनी चला रहा है हमारी तरह, कोई कहीं है कोई कहीं है। माशाल्लाह मैंने अयूब का जिक्र किया वो माशाल्लाह बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। एग्जैक्टली प्रोफेसर मतलब माशाल्लाह। इसी तरह हमारे साथ अवैस था, हमारी ट्रायंगल थी मेरी अवैस और अयूब की। अवैस जो आपके साथ है अभी हम नहीं हमारे पाकिस्तान में हमारे साथ। मैंने इस वजह से कहा कि लोगों को नाज़रीन को जरा पता चल जाए कि वो किन अवैस की बात हो रही है। अवैस इकबाल साहब नहीं तो
इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि और अभी तक हमारा सब फैमिलीज के साथ मिलना जुलना है, बिल्कुल हमारा, और वो हमारे ऐसे जैसे यहाँ से उठे हम वहाँ घर चले गए, बिल्कुल ऐसा हमारा। और हमारे घर का ये माहौल था कि अगर वो हमारे घर आए हैं तो नॉक करने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह अपने अगर हमारे घर का दरवाजा खुला है तो मतलब वो सीधे कमरे में आ सकते हैं, या इस तरह से कोई हमारे आप बहुत ही हमारा प्यार। आप दोनों पे ना एक प्रोवर्ब है उर्दू में, उसको कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप दोनों चूंकि आप बहुत एक्सपर्ट हैं और आपकी एक्सपर्टीज को लोग यूज कर रहे हैं, और आपका तो माशाल्लाह क्लाइंटल बहुत स्ट्रांग है। ऐसे ही तो नहीं, माशाल्लाह उनका एक नाम है, Z9 का एक नाम है, जी प्रिंटिंग का एक नाम है, पूरे टोरंटो में आप किसी भी जगह जाके पूछ ले। पाकिस्तान छोड़ आए लेकिन अभी भी वहाँ हंड्रेड्स के हिसाब से अभी भी मेरे जो कस्टमर्स थे अभी भी वो मेरे साथ लिंक अप हैं, अभी भी वो मैसेज करते हैं कि शाह जी आप हमें सिखाएं, धोखा दे गए और चले गए। नहीं, हमारे क्लाइंट्स हमें मतलब जैसे कहते हैं ना एक बच्चे को रोते हुए छोड़ के चले जाना, वो उस तरह अभी भी फील करते हैं कि यार अभी भी हम आपको मिस करते हैं शाह जी। असल में बात ये है शाह जी कि अच्छे लोगों को इंसान कभी नहीं भूलता और हमेशा याद करता है, बहुत प्यार से याद करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुबीना को भी पता है, मैं अपना भी थोड़ा सा फाइन आर्ट्स के हवाले से अपॉर्चुनिटी लूंगा बताने के लिए कि मैं हमेशा फाइन आर्ट्स में जाना चाहता था, हमेशा और से। आज पता चला मुझे हमेशा से। और मैंने अल्हम्रा आर्ट सेंटर में वो क्लासेस भी होती थी उसकी, और वो भी जाके अटेंड करता था ड्राइंग, बिल्कुल ड्राइंग क्लासेस। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो जफर भाई वो शायद इतना उन्होंने इनकरेज नहीं किया उस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तुम इंटरमीडिएट होता है उसमें अच्छे नंबर लोगे तो तुम इधर आ जाना। मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए, बहुत ही अच्छे नंबर लिए, तो उन्होंने मैं जब उनके पास गया और मेरे साथ ये भी थी, तो मैंने उनसे जाके कहा कि जी अब मुझे एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यार तुम ऐसा करो अगर तुम्हारा बी कॉम में एडमिशन हो रहा है तो वहाँ चले जाओ। तो उस दिन के बाद जब मैं फिर बी कॉम में आ गया, और वो भी मैं स्कॉलरशिप पे गया हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सर जफर को लगा होगा एक ग्राफिक डिजाइनर घर में है। हाँ जी, वो थे तो उनको लगा जिस तरह अली शाह ने कहा और आप भी के एक आर्ट जो है आर्टिस्टिक माइंड वो कभी चेंज नहीं होता, तो वो एक आर्ट का ये ब्लेस्ड होता है इंसान, जिस तरह अली शाह ने कहा कि बड़ी क्रिएटिविटी माइंड का जो होना चाहिए वो जिस तरह उनका था। जी राबिया, मैं आपसे पूछूंगी कि आप इस फील्ड में कैसे आई, फाइन आर्ट्स में आप कैसे आई? कैसे आई, माइंड में था या? माइंड में था। अम्मी से मैंने कहा जब कॉलेज में जाना था, मैंने कहा अम्मी के मुझे फाइन आर्ट्स पढ़नी है। अच्छा, तो आप अभी भी ऐसा ही है, फाइन आर्ट्स को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। तो अम्मी ने कहा बेटे कुछ और पढ़ लो, क्योंकि मेरे अच्छे भले मार्क्स आ गए, तो अम्मी ने मुझे इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी फिल किया फॉर्म, और बीबे बच्चों की तरह मैं पढ़ने लग गई। दो महीने पढ़ती रही, बड़ा मजा आया, फाइन आर्ट्स माइंड से निकल गया। एक दिन मैं थी क्वीन मेरी कॉलेज में, एक दिन ऐसे ही ब्रेक में मैं गई, और हमारा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट एक सेपरेट बिल्डिंग थी, वहाँ मेरा चक्कर लगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और मैंने ग्रुप को देखा जो बैठ के एक लाइव स्टडी कर रहे थे, एक मॉडल बैठा है और सब बना रहे हैं, और मैंने देखा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान इतनी दूर बैठा है और आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह। तो बड़ा मैं बस देखती रही, मेस्मराइज्ड होती रही, और मैंने अम्मी को नहीं बताया, और मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो हेड थी मैंने उन्हें जाके कहा कि क्या मेरा अब एडमिशन हो सकता है, मैं एज अ सब्जेक्ट फाइनेंस पढ़ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा दो महीने हो गए हैं तो बाकी स्टूडेंट्स तो काफ़ी आगे चले गए, चले आप टेस्ट दें, अगर आप टेस्ट क्लियर कर लिया आपने तो आपको रख लेंगे। मैंने टेस्ट दिया, क्लियर कर लिया, उन्होंने मुझे फाइनेंस में रख लिया, और मैंने मेरा ख्याल है कोई पूरा साल फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मैं फाइन आर्ट्स बी पढ़ रही हूँ साथ में। अच्छा, बी पढ़ रही हूँ। बी पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो क्योंकि आपको पता है कॉलेज में तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, तो मैं सब पढ़ती रही, और फिर सेकेंड ईयर में जाके मुझे लगा कि हाँ फाइन आर्ट्स तो जब मैं करती हूँ, जब मैं पेंट करती हूँ या जब मैं ड्रॉ करती हूँ, तो मैं तो कहीं और होती हूँ। अब आप ऐसे कह लें, मैं ऐसे समझाऊँ उसको कि जैसे नमाज पढ़ते हुए जो पीस आपको मिलता है ना, मुझे वो ड्रॉ करते हुए या पेंटिंग करते हुए वो पीस मुझे मिलता था, मुझे लगता था ये मेरी थेरेपी है। तो बहुत कशिश मैंने फील की इस फील्ड में, तो
फिर मैंने कहा चले आगे एडमिशन लेते हैं, तो मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। तो अम्मी ने इजीली चेंज कर नहीं नहीं इजीली चेंज नहीं हुआ, बड़ा अम्मी को काफी डिप्रेशन हुआ, अम्मी को लगा कि ये मेरा बच्चे को क्या हुआ, ये किस साइड पे जा रहा है, फाइन आर्ट्स कहाँ से आ गया फैमिली में। और क्योंकि बड़ी बहन साइंस पढ़ रही थी और पढ़ाई में भी वो मेरे से बहुत अच्छी थी, तो पहले तो उनको यही फिक्र थी कि मतलब फाइन आर्ट्स क्यों ले ली इसने, लेकिन ये कि जब उनको लगा कि हाँ ये बहुत मेहनत से कर रही है, मार्क्स भी अच्छे ले रही है, तो फिर मुझे जाने दिया उन्होंने, फिर मेरा एडमिशन हो गया। और मैं बस मुझे अपनी एज से जल्दी पढ़ा दिया गया, मुझे 2 से 4 में और फिर 6 से मुझे 8 में ले गए। Okay. तो डबल प्रमोशंस मेरी 2 हो गई। तो मैं अपनी एज से थोड़ा अर्ली पढ़ी थी, जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैं 17 ईयर्स की थी जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गई। और मेरा आईडी कार्ड नहीं था तो डोमिसाइल पे मेरा एडमिशन हुआ। तो मतलब मैं बिल्कुल एक जैसे छोटा सा बच्चा होता है और एक्सपोजर उसको मिल जाता है, और मैं गुलहरी की तरह बस इधर दौड़ी उधर दौड़ी हूँ। और मेरे जो क्लास वाले उन्होंने मेरा नाम भी ये रख दिया कि ये गुलहरी की तरह फिरती रहती है छोटी सी, ये कहाँ से आ गई है पढ़ने के लिए। तो बस साथ साथ जब लेकिन पढ़ा तो ग्राफिक डिज़ाइन, जैसे मैंने पहले बताया, कैमरा पकड़ती थी तो एक दुनिया में होती थी, कैनवस मेरे सामने आता था तो एक दुनिया में होती थी, ड्राइंग करते हुए तो मैं होती किसी और दुनिया में थी। बहुत बहुत पैशन था। और मैं बताती चलूँ कि ठीक है आज प्रैक्टिकल लाइफ में ये मेरे से बहुत आगे हैं, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि मर्द ने घर चलाना होता है, और मुझे थोड़ी सी ब्रेक भी दी इन्होंने, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो मैंने अपने से ज़्यादा कभी मार्क्स नहीं अली को लेने दिए। वो तो कुड़िया मुझे पढ़ाकू दिया इसमें तो मैं ही नहीं, क्योंकि थ्योरी में तो मैं नहीं, हम उनकी स्ट्रगल देखे, आपने तो खाना खाना है, घर जाना है और पढ़ना है। नहीं जी, 92 से Z9 मैं भी उतना ही चला रही थी जितना अली चला रहे थे, तो इसलिए मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो घर जा रही है खाना खा रही है और तैयार होके आ रही है। नहीं, हम तो नहीं, पहले पूरा दिन डिपार्टमेंट का काम, उसके बाद जीना इनका काम, अपना कमाते थे अपना खाते थे। शुक्र और ये बड़ा प्राइड होता है आप, नहीं यार आपकी एजुकेशन लाइफ में भी सर, अभी भी ये मेरा पैशन है, अभी भी मुझे लगता है मतलब ठीक है इन्होंने चलाया सब कुछ किया, लेकिन मैं जितना सपोर्ट कर सकती थी मैंने किया, छोटे छोटे बच्चे लेके आती थी मैं। आदमी कामयाब ही मर्द उस वक्त होता है जब औरत उसका साथ देती है, अगर हम कपल है तो जब तक वाइफ पूरी तरह से हस्बैंड का साथ नहीं देगी तो। लेकिन एक बात बताऊंगा भी ना, कि हम दोनों का एक फील्ड में होना हमें बहुत सूट किया, और हम मियां बीवी बड़े अच्छे हैं, मैं अक्सर अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी बताती हूँ, लेकिन प्रोफेशनली हम में बड़ा लगती है हमारे में, क्योंकि प्रोफेशनली अगर कोई बात हो ना तो मेरा माइंड कहीं और जा रहा होता, अली का माइंड कहीं और जा रहा होता है, बहुत बहुत ज्यादा है हमारे में। और यही जैसे अली बात कर रहे थे ना एक रिश्ते की, वो मतलब खूबसूरती भी यही है कि थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने अपने पे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हम नहीं छोड़ते तो किसी एक को जो है ना मतलब वो रिस्पेक्ट भी करें, अगर एक राइट पे और दूसरा जेल करे जा रहा नहीं नहीं ये नहीं हट दर भी रिश्ते टूटते भी उसी पे ही है। ये समझ नहीं आती, लोग कहते हैं जी बड़ा अच्छा रिश्ता चल रहा है हमारा बड़े अरसे से, बस मैं तो हाँ में हाँ मिलाती हूँ। भाई हाँ में हाँ क्यों मिलाते हो आप, अगर आप एक इंडिविजुअल इंसान हो, आपकी अपनी सोच है, ये वही बात हो जाती है कि मियाँ बीवी 30 साल से रह रहे होते, 10-10 बच्चे भी होते हैं और फिर भी कहते हैं मियाँ से प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला तो ये वही वो सोच जो है ना, एक ऐसे मैं जानती हूँ कि जिनके काफी 4-5 बच्चे थे और वही कहती थी आज तक मेरे मियाँ से प्यार नहीं मिला, क्या भाई क्या। आप बताएं आप क्या कहेंगे इसके बारे में। मैं तो अल्लाह बहुत शुक्र अदा करूंगी, प्यार मिला और अभी तक मिल रहा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ये प्यार ऐसा होता है नाज़रीन कि हम इस कभी नहीं भूल सकते, एक दूसरे की सपोर्ट होती है, एक दूसरे की मोहब्बत होती है और एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है,
जब तक आप वो कायम रखेंगे आपकी इज्जत भी रहेगी, आपके घर में रौनक भी रहेगी, आपके घर में मोहब्बत भी रहेगी। लेकिन जो ये लोग कहते हैं ना अली भाई आपके वाली बात कि जी प्यार नहीं मिला, वो मर्द भी ऐसे होते हैं। पता क्या होता है प्यार क्या है, जो मेरी एक अपनी फीलिंग है, जो सोच है, मैं कहता हूँ जो प्यार जिसको कहते हैं ना, वो आपकी एक इनर फीलिंग होती है कि आप अपने पार्टनर को या जो आपके करीब है उसको देखते हैं और आपके अंदर एक जो खुशी की लहर दौड़ती है, वही प्यार होता है। दुनिया में जरूरी नहीं कि सब लोग जो है वो एक्सप्रेसिव होते हैं, बिल्कुल वो इजहार करते नहीं कर सकते कुछ। जैसे मैं इजहार नहीं कर पाता, मैंने पूछ लो कभी भी नहीं है कि ओ यार बड़ी पटाखा भी क्या बेगम कितनी तैयार है, मेरे से ये जबरदस्ती जिसे कह लेते जबरदस्ती तारीफ कराते हैं। अच्छा, इस कैसी लग रही है, अच्छा तीन दफा देखूंगा, हाँ हाँ यार अच्छी लग रही, क्या हो गया, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छी नहीं लग रही या मेरे को दिल में रिस्पेक्ट हाँ। नहीं है, प्यार नहीं है, नहीं, तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने वाली थी मियां को भी और बीवी को भी, दोनों को ये चीज हमेशा हाँ एक्सप्रेसिव होना चाहिए, अगर है तो एक आपके ऊपर एक्स्ट्रा एक ब्लेसिंग है। इट्स ओके, लेकिन मैं राबिया को क्रेडिट दूंगी क्योंकि बहुत सारे घरों में झगड़े यही होते हैं, इसी चीज पे होते हैं, मेरा आपने मुझे देखा ही नहीं, मुझे ये एग्जैक्टली ये इन चीजों में मेरा खाना पसंद नहीं, बाहर से खाता है, ये तो शिकायत मुझे कभी रही नहीं, ये तो ना मेरी एक्सपेक्टेशन रही है, इसलिए कि जिस तरीके से अली ने ये रिलेशन चलाया है, और मैं कोई इतनी आसान लड़की नहीं थी, बहुत मुश्किल थी मैं, हाँ, और बाद में अली अपने मुंह से कहते हैं कि भाई आसान मैं भी नहीं था, तो हम दोनों ने जिस तरह से निभाया अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इज्जत से प्यार से और लाड किए एक दूसरे के, मेरे बहुत लाड हुए, मैंने शायद कम ही किए होंगे, मैंने अगर आपके दिल में सारी जिंदगी मुझे लगता है मैंने इस चीज का फायदा उठाया कि नहीं आपने प्रपोज किया था लाड से तो रखना पड़ेगा, लाड से रखा है, लाड से रखा है मेरे मियां। लव मैरिज में यही चीज होती है, एक रिस्पेक्ट ही होती है कि आपने एक जिम्मेदारी खुद ली और खुद ही निभानी है, जो कि लोग भूल जाते हैं। अगर फर्ज करो मैंने लव मैरिज की, मैंने पहल की, तो मेरा राइट बनता है कि अगर मैं एक टाइम राइट पे भी हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगला उस पर रेजिस्टेंस कर रहा है तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए, यार कोई बात नहीं, हो सकता है अगर वो गलत भी कह रहा है तो मुझे मान लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, वो उसी में अकलमंदी है और वही आपका प्यार और वही रिस्पेक्ट है, उसी से रिश्ता मजबूत। इसको हम आगे लेके चलते हैं यहीं से ब्रेक के बाद, तो मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अलीशा और राबिया से बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगु चल रही है और बड़े फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो आइए ये सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। जी मुबीना, आप मैं राबिया से वहीं से शुरू करना चाह रही हूँ। राबिया मुझे एक बात बताएं कि जब आप लोगों यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए, शादी हो गई और 92 से आपने काम भी करना शुरू किया, यानी कि शादी से पहले से आप काम करें, तो कितना अरसा काम किया शादी से लेके यहाँ आने तक? तो शादी तक तो चलाया Z9 जो मीडिया था हमारा, प्रिंटिंग और डिजाइन की कंपनी थी, तो हम दोनों डिजाइनर थे, दो डिजाइनर हमने हायर किए हुए थे। तो उसके बाद शादी के 3 साल बाद मैं घर बैठी, इंजॉय किया मैंने, और 3 साल के बाद मैंने एक दोबारा जॉब स्टार्ट की, मैंने भी थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन मेरी जॉब हो गई फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज में। फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज में एक ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट है, तो वो भी सब ग्राफिक डिज़ाइनर्स वहाँ पे होते हैं, तो सर हमारे जो चेयरमैन थे उस ज़माने के सर शाहनवाज जैदी, उनकी क्लास फेलो थी मैडम निगत, वो मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी वहाँ पे, और हम लोग मीडिया डिज़ाइन करते थे, डॉक्टर्स का, प्रोफेसर्स का, बहुत बड़ा हमारा ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट था वहाँ पे, और वहाँ मैंने 8 साल जॉब की। अच्छा, हाँ बिल्कुल, सरकारी जॉब। तो बड़े मजे होंगे सरकारी जॉब के। सुनने में यही आया था कि भाई सरकारी जॉब है, कोई काम नहीं होगा, लेकिन यकीन करें जितना काम हम करते थे पूरा, क्योंकि जो फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज है उसके साथ गंगाराम हॉस्पिटल है, जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप सोचे उसकी फैकेलिटी कितनी बड़ी होगी, कितना जी। काम होगा, तो हम 4 डिजाइनर्स थे और हमारे पास सर उठाने की जगह, सर उठ क्या यही होता है ना, सर उठाने का वक्त नहीं होता था, इतना काम होता था हमारा, तो उसके बाद फिर इधर आ गए, जॉब छोड़नी पड़ी,
रिजाइन अली को भी करना पड़ा, मुझे भी अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ा। तो कैसे यहाँ आने का प्लान कैसे बनाया? मैं उससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लूँ? आप दो पूछिए जी। रबेज, आपने कहा, मैं बड़े गौर से आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुन रहा था, जब आपने कहा कि मैं 3 साल के लिए घर बैठ गई, तो अलीशा का क्या बना उस टाइम? आप लोग वो जो 3 साल था वो शादी हो गई थी ना? शादी हो गई 96 में, हमारी शादी हो गई दिसंबर 96 में, तो वो 3 साल में माशाल्लाह दो बेबी किए हमने। तो फुल मेरे पे था ना? हाँ, लेकिन ये कि हमने दो बेबी बनाए उन 3 सालों में। अच्छा, वेरी गुड। तो कितने बच्चे हैं राबिया? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दो बेटे दो बेटियां। तो फिर जॉब जो मैंने कहा 10 साल, फिर मैंने 8 साल जॉब की, उसके बाद बस इधर आ गया। और यहाँ की कहानी तो आपको पता है, उसके बाद तो बस चल सर चल। लेकिन ये थोड़ा सा यही मैं कहने लगी थी, बैठे नहीं पढ़ाई और एजुकेशन। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ये हमारी पूरी फैमिली में एक बात फेमस है कि ये बंदा जो है ना वर्कहोलिक जिसे कहते हैं ना, अगर किसी को उसकी वो चाहिए ना डिस्क्रिप्शन, तो ये मोहतरम बैठे हैं, जिस दिन ये छुट्टी करते हैं ना इनको फीवर हो जाता है। अच्छा, हमारी पूरी फैमिली को पता है, क्योंकि जब 11-12 बजे यार मेरे ना सर में दर्द हो रही है, उसके बाद जरा 1-2 बजे तक जिस्म टूट रहा है यार, शाम तक मुझे तो ना फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है। मैं कहती हूँ ये सिर्फ छुट्टी के दिन आपको ये क्यों होता है, आप आज भी चले जाओ, ध्यान रखा करेंगे छुट्टी वाले दिन। नहीं, इसकी रीजन ये है कि वो इतना काम करते हैं, रेस्ट की आदत है इनकी बॉडी को ना, कि जब उनको रेस्ट करने का मौका मिलता है तो वो कलैप्स कर जाता है। लोग काम करके कोलैप्स करते हैं और ये रेस्ट करके कोलैप्स करते हैं। लेकिन हम दोनों वैसे वर्कहोलिक है, हम बैठ नहीं सकते। मैंने तो वैसे जब से आपको मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है ना, जो लोग सोचते नहीं है उस बारे दिमाग जाता ही नहीं है कि जो बंदा प्रोफेशनल होता है, जो उसका प्रोफेशन होता है, जो उसने सोच के प्रोफेशन ज्वाइन किया होता है, वो अपने प्रोफेशन में लाइफ में कभी भी, वो रिटायर्ड भी हो जाता है तो फिर भी उसमें डटा रहता है। जब तक उसकी टांगे साथ देती हैं, दिमाग साथ देता, वो उस काम को करके हमेशा इंजॉय करता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब कोई भी है हमारे या कोई भी किसी भी कैटेगरी का बंदा है, वो अगर अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर नहीं है तो वो समझे कि वो बीमारी ही है। लोगों ने 4-4 हेडेक ली हुई है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन वो प्रोफेशनल किसी भी चीज़ में नहीं है। हाँ, ये जो बात आप कह रहे हैं, इस पर मुझे ओल्ड टेस्टामेंट की एक कोटेशन याद आ गई और मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ओल्ड इंग्लिश में है कि सीस्ड दो मैन इज डिलिजेंट टू हिज बिजनेस, ही विल स्टैंड बिफोर किंग्स, ही विल नॉट स्टैंड बिफोर मीन मैन। सो तो आपका वही हिसाब है। लेकिन देखिए, ये यहाँ पे ज़्यादा इशू है पाकिस्तान में, आई थिंक आप भी इसमें पता नहीं मेरे साथ मिलाएंगे हाँ या नहीं, पाकिस्तान में इतना ये प्रॉब्लम नहीं, जो पढ़ता है बंदा वो अपने प्रोफेशन में ही काम करता है, कोशिश होती है नहीं है ना? नहीं, नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि लोग कुछ भी मिला प्रोफेशन स्विच करते हुए जो है वो कोई हार नहीं समझते, लेकिन स्विच करना चाहिए। स्विच करने का मतलब ये नहीं कि पिछली जो लवाजमा थी उसको भी घसीटते रहे, आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप फील करते हैं कि नहीं यार मैं इस प्रोफेशन में फिट नहीं हूँ, मुझे आगे पढ़ना चाहिए, फिर उस प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन पिछले जो लवाजमात आपके हैं उसको वही छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको भी घसीटने की कोशिश करें, ना आप इधर के ना उधर के, बीच में वो जिसे कहते हैं कुएं का मेंढक वाली बात है कि आप ना इधर के रहे ना उधर के, आपसे कोई पूछे तो आप पहले बताते हुए शर्माते हैं कि मैंने बताना क्या कि मैं करता क्या हूँ ना। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतनी आपके माइंड में क्लियर चीज़ होनी चाहिए कि भी मैं ए काम करता हूँ, ये नहीं कि मैं ए बी सी करता हूँ। क्या आप अपना तारफ कराते हुए भी आपको शर्म है कि मैंने क्या बताना, क्या बताना? तो ये यहाँ पे जब ये सिचुएशन होती तो फिर आप ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके यहाँ बिजनेस जिस किस्म का आप करते हैं, जो भी आपका आपके कंपेटिटर्स तो होंगे, और मेरे ख्याल में जिस तरह आप अपने क्लाइंटल के साथ डील करते हैं, कम लोग ही करते होंगे, और आई विश कि सब लोग ऐसे ही करते हों, लेकिन जिस तरह आप उनको अकोमोडेट करते हैं और जिस तरह आप उनके साथ डील करते हैं,
वो एक बहुत लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ये शायद आपको ना पता हो। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही बात करने लगी थी कि कहीं आपका जिक्र होता है या Z9 का जिक्र होता है और अली शाह का जिक्र होता है, तो ये मैं ये नहीं कि मैं आपके सामने, ये नाज़िन आपके, आप लोगों को भी पता होगा कि तो हमेशा ही होता है कि वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, तो ये किसी के लिए कहना और किसी के पीछे कहना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत हौसले वाली बात होती है, और उसी के लिए कहा जाता है जो इंसान इसको डिज़र्व करता हो, तो ये लोग करते हैं इस चीज़ को। मैंने इनमें बहुत ईमानदारी देखी है, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, कोई लालच नहीं है कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जी फर्स्ट टाइम जो क्लाइंट आया बस ठीक है, इससे जो कुछ करना है कर लो, नेक्स्ट टाइम के लिए कोई मसला नहीं, लोग झगड़ भी लेते हैं कुछ भी, लेकिन इनका मैंने काम भी देखा है, हर चीज़ देखी है, बड़े क्या कहेंगे आप जी। हम इस वजह से ये बात नहीं कर रहे कि हम यहाँ पे उनके बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान कैसे हैं, वो लोगों के साथ कैसे मिलते हैं, उनकी डीलिंग कैसी है। तो ये ज़िंदगी में यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। चले ये तो हो गई अलीशा बिजनेस की बातें, और देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, मैं कहता हूँ वो मैं हूँ या कोई भी इंसान है स्पेशली बिजनेस में, उसके लिए ये बहुत बड़ा एसेट होता है कि अगर वो बिज़नेस शुरू करता है और जो फर्स्ट डे उसका कस्टमर होता है 10 साल बाद भी अगर वो आपके साथ है, या अगर 30 साल पहले वो बिजनेस शुरू करता है तो वो कस्टमर 30 साल से आपके साथ है, तो ये मैं हूँ या कोई भी दूसरा बंदा हो, ये उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग। जैसे आपने अभी कहा कि पाकिस्तान में जो भी आपके क्लाइंट थे वो अभी तक मिस करते हैं, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ यार चलो मैं तो अब यहाँ आ गया, मेरी जगह ये बंदा है, आप इससे करवा ले, ये भी मेरे जैसे, लेकिन फिर भी उनकी कह रहे थे यार शाह जी आप जैसा नहीं है भाई, मैं ये नहीं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कि लोग प्रोफेशनली उसको लेते ही नहीं है। एक दफा आया उसकी वो खाल उतारी और उन साइड आपके साथ कंफर्टेबल किया करते और फेंक दिया, यही मेरा पॉइंट। यहाँ मैं काम करता हूँ, यकीन करें ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हम काम करते हैं, उनको काम करके मैं देता हूँ, तो वो मेरे से पूछते हैं शाह जी आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, मैं हंस पड़ते हूँ, क्यों? कहते आपकी बातों और आपके काम करने से लगता है कि आप ये काम बहुत अरसे से कर रहे हैं, कैनेडा से नहीं कर रहे। हंस पड़ते हो कि भाई आपकी पहचान है, मतलब एक थैंक यू, वाकई मैं कनाडा में, ये नहीं कि मैंने कोई यहाँ आके ये प्रोफेशन अपनाया, मैं इस प्रोफेशन में 30 साल से एक्सपर्टीज कर रहा हूँ। तो राबिया आपसे मैं पूछती हूँ, इतनी बिजी लाइफ में कैसे घर को देखती हैं, ऑफिस को देखती हैं, इधर मीडिया को देखती हैं, किस तरीके से मैनेज करती हैं अपनी लाइफ को? ये मैनेज करना नहीं कहते इसको, ये नेचर होती है मुझे लगता है किसी भी इंसान की, मुझे लगता है ये मेरी नेचर में है कि मैं ज़्यादा देर घर नहीं बैठ सकती। और एक और मेरी नेचर है कि हर थोड़े से बाद मेरा दिल करता है एक नया बिज़नेस स्टार्ट करें, जैसे Z9 स्टार्ट हुआ, वो स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद एक कीड़ा मेरे अंदर आया, एक मैगज़ीन करते हैं यहाँ पे, जैसे जिक्र हो रहा था तो मैंने साउथ एशियन इमेज, यहाँ इंग्लिश मैगज़ीन था वो काफ़ी अर्से चलाया और वो किया, उसके बाद फिर ये जो आजकल मेरा ख्याल है काफ़ी GTA और पाकिस्तान में भी अब नाम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा TV चैनल है Z9 डिजिटल, वो बैठ के एक दिन प्लान किया कि चैनल बनाया जाए और काम किया जाए, और बड़ा मुश्किल डिसीजन था लेकिन किया, मैनेज हो जाता है, घर भी बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, बड़ा इंडिपेंडेंट पाला मैंने उनको, अपने काफ़ी काम खुद करते हैं और हो जाता है, बस मुझे लगता है कि मेरी नेचर है, मैं कर लेती हूँ, मैं बैठ नहीं सकती। आर्ट से रिलेटेड हैं तो अंदर क्या कुछ है, कुछ लोग जैसे आर्ट से रिलेटेड होते हैं जो फनकार टाइप लोग होते हैं, तो क्या म्यूजिक लवर हैं? हाँ बिल्कुल म्यूजिक लवर हूँ, सबसे बड़ी तो आर्ट लवर हूँ, ठीक है वो तो है, पेंटिंग जो है पढ़ा मैंने ग्राफिक डिजाइन वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी डिग्री ने मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट बना दिया। वो तो मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी। तो सर जफर जो है हमारे 2 साल बल्कि 3 साल हमारे ड्राइंग के टीचर रहे और माशाल्लाह बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाते थे, और ड्राइंग की क्लास मुझे नहीं याद कि अपने 3 साल के बैचलर और 2 साल के मास्टर्स में मैंने कभी ड्राइंग की क्लास छोड़ी हो, और उसके बाद भी करती रही, और फिर कंप्यूटराइज्ड हो गया हमारा सारा सिस्टम, सारे सॉफ्टवेयर सीखे यहाँ के कॉलेजेस में, एडमिशन लेके शेरिडन में पढ़ा यहाँ पे आके, और बच्चे भी मेरे बहुत छोटे थे,
शेल्टर में पढ़ती थी, घर आती थी, बच्चों को देखती थी, मैनेज करती थी और वापस जाती थी। मैं लिविंग आर्ट सेंटर में पेंटिंग करती थी और मुझे लगता था अगर मैं पेंट नहीं करूँगी तो मुझे लगता मैं ब्रीद नहीं कर सकती। तो मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स पाकिस्तान में, यहाँ पे तो बहुत कम है मेरे पास, तो लेकिन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैनेज हो जाता है। तो म्यूजिक किस टाइप का सुनती हैं? सर जफर गाने सुनाते थे। सर जफर कैसे कैसे गाने सुनाते थे हमें? सर जैदी, सर जफर, जब गाना शुरू करते हैं और वो हमारे ट्रिप्स जो होते थे, वन डे ट्रिप्स या हमारे यूनिवर्सिटी की जो ट्रिप जाते थे, सर जफर तो हमारे लीड सिंगर थे, सर शाहनवाज जैदी, और बस होती थी। और क्या आप मुझे क्या याद करा दिया वो लाइव डिफरेंट थी, वो लाइव जो है ना, मुझे लगता है वो और लाइव थी, बहुत मजे की, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ कमाने की वो नहीं, मतलब माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे थे उन दिनों में। और फिर बड़ा अच्छा जमाना था, हमारी टूर्स जाते थे, गाने गाते थे, नथिया गली, नारायण का गान, पूरा पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ, अपने फाइन आर्ट्स के बटीज के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी की बस, पंजाब यूनिवर्सिटी की बस हमारी, और एक से एक आर्टिस्ट बैठा हो उसमें, सोचे क्या माहौल होगा, पूरा फाइन आर्ट्स का। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात और पूछनी है कि फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट को समझा जाता था कि बहुत एडवांस्ड किस्म के लोग आते हैं वहाँ पे, जो है वो बहुत एलीट क्लास के बच्चे आते हैं, क्या ये सच है? थोड़ा सच है भी, थोड़ा नहीं भी है। फाइन आर्ट देखें, जब आप पढ़ने जाते हैं ना, और अब पाकिस्तान की सोसाइटी में इस तरह होता है, उस जमाने में तो, अब तो डॉक्टर इंजीनियर बस ये इस टाइप के बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या कुछ इससे हटके अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो वो ये होता था, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम, ये तो क्या करेगा फाइन आर्ट्स। लेकिन आप सोचिए, ग्राफिक डिजाइन जिस जमाने में मैंने पढ़ा, बंदे तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है ये बात, मतलब लेकिन ये कि औरतें, लड़कियां बहुत कम आती थी इसके अंदर, लेकिन होता ये था हमारे जमाने में, इसलिए लड़कियां ज्यादा आती थी क्योंकि वो होता था टेस्ट की बेस के ऊपर। और टेस्ट जो है, आपको जैसे अली ने कहा, लड़कियां पढ़ाकू होती हैं, लड़कियां पढ़ाकू थी, वो टेस्ट क्लियर करती थी, और लड़के जो है आटे में नमक के बराबर होते थे। हमारे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में लड़कियां ही लड़कियां, लड़के तो वही आते रहे जो उनके बहुत ज्यादा मतलब होता है इंटरेस्ट, अदरवाइज तो आम जल्दी नहीं आते। बिल्कुल, नहीं, माहौल हमारा बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं जो सुनने में आता था, ऐसा कुछ नहीं था, सब फ्रेंड्स थे। और आपने मुझे कहा था एक क्वेश्चन आपने पूछना है एंटरटेनिंग का, वो एंटरटेनमेंट किस तरह अपने आप को एंटरटेन करते हैं, एंटरटेन कैसे करते हैं? जैसे रेस्ट, अगर सपोज जॉब नहीं है, फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं, हम सब गाड़ी में बैठते हैं, बच्चों को लेते हैं और हम कहीं निकल जाते हैं। और जैसे अभी लास्ट वीक हम लोग नायगरा गए, लेकिन हम रश, जो जहां रश होता है, गैदरिंग होती है, वहां से हम दोनों घबराते हैं, मैं और अली, बहुत हम दूर रहते हैं और कोशिश करते हैं जो टाइम मिल जाए बच्चों के साथ स्पेंड करें। वहां भी गए तो हम 3 दिन समय लेके घर में ही रहे, लेकिन बच्चों ने इतना एंजॉय किया, सब किया, हमने फूड मंगाई घर में ही बैठ के, और हम मतलब कहीं नहीं गए। अगर रश शाम को निकले, कॉल पे गए, रश देखा तो, जैसे कोविड के दिनों में तो खैर बच्चे निकलने भी नहीं देते, रश देखा तो हमने कहा वापस घर चलो, घर के सराउंडिंग में फिरते रहे जहां हम रह रहे थे। तो फैमिली बॉन्डिंग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ बड़ी, अली की बहुत दोस्ती है बच्चों के साथ, लगता नहीं होगा आपको देख के, लेकिन मेरे से ज्यादा अली की दोस्ती, अली ने बच्चे कुछ स्पॉइल किए हैं मुझे लगता है। नहीं, हमारे तो सब लाडले, माशाल्लाह, हमारा, हमारे बेटे बेटियां सब लाडले। मैं जैसे हो ना, कई चीजों पे मैं बच्चों को कह देती हूँ कि नहीं, तो बच्चे जब इनसे परमिशन लेते हैं तो वो कहते हैं मामा, मेरे घर भी ऐसी है, मेरे घर भी ऐसी है। तो मैं हैरान रहती हूँ, मैं कहती हूँ कि बेट मुझे नहीं इजाजत देनी, लेकिन बाबा से इजाजत मिल चुकी है। अली को तो ये होता है कि तू माँ हो, माँ ही सब कुछ मैनेज करती है, तो बच्चों को तो कोई मतलब इतना लाड में कभी कभी रखेंगे कि नहीं तुम्हारी तो जिम्मेदारी है, तुम तो करो, बच्चे क्यों करें। तो मुझे ये होता है कि नहीं, ट्रेनिंग तो देनी है उनको, उन्होंने भी आगे नए घर बसाने हैं, जाहिर है ट्रेनिंग तो सब, खुदा ना खासा कुछ ट्रेनिंग सही नहीं हुई तो कहेंगे माँ ने ट्रेनिंग कैसी की है। तो मैं थोड़ी सी सख्त नहीं, लेकिन मैं वैसे ये सोचती हूँ कि जब बच्चे या बच्चियों दोनों पे जिम्मेदारियाँ आती हैं तो लाभ वो कर ही लेते हैं। मैं बड़ी स्पॉइल थी अपने घर, बड़ी लाडली थी, तो आप देखें ना कितना अच्छा खाना बनाती है, कितना अच्छा मैनेज करती है हर चीज को, तो सब कुछ आ जाता। खाना जो मैंने बनाना सीखा वो मैंने अली से बनाना सीखा। आप सोचिए, मुझे तो जब शादी हुई तो मुझे तो वो कहते ना डोई मारनी भी नहीं आती थी। अली, आपको खाना भी बनाना आता था? इनको आता था, लेकिन इनको आता था।
कुछ भी कह तो सबसे ज्यादा मजे की चीज कौन सी बनाते हैं? देसी खाने। हाँ, देसी खाने, प्योर शुद्ध देसी खाने हमारे घर। तो सबसे अच्छा देसी खाना कौन सा बनाते हैं? निहारी बहुत अच्छी बनाते हैं, पाए बहुत अच्छे बनाते हैं, पालक गोश्त। नाज़रीन, अगर आपने अच्छे पाए खाने हो तो अलीशा से कांटेक्ट करें। अच्छे चने बड़े जबरदस्त बनाते हैं और ब्रेकफास्ट बहुत जबरदस्त है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद और फिर इनसे जानेंगे कि ये अपना क्या फर्दर जो है वो जिंदगी के बारे में कहते हैं। तो विल बी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, सो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राबिया से। बड़ी मज़े मज़े खानों की बात हो रही थी और निहारी और पाव की बात चल गई थी। अच्छा, तो अली बहुत अच्छा बनाते हैं खाना वाना। जी पूछें कुछ ना। अच्छा, तो फिर तभी तो आप तो फिर रेस्ट करती होंगे। चाहते कि टाइम हो, तो संडे को तो बनता ही होगा। संडे को तो बनता है, कोई संडे माशाल्लाह कोई संडे ऐसा मुझे याद नहीं जिसने अली ने खाना ना बनाया। अरे वाह, माशाल्लाह। क्योंकि मेरे जिसे कह रहे हैं एंटरटेनमेंट ही यही है। तो इनके सर पे भी हाथ फेर दे। मेरी सबसे जिसे कह रहे हैं फेवरेट जो चीज है घर में वो कुकिंग। किसी एक दिन ये भी बना दिया कर। मैं आपको कल के डिशवॉशर का जिक्र न करूं। ये मैं आपको बताऊं, जैसे अली कह रहे थे ना मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूं, ये अली का तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेस जो है ना, इस तरह से करते हैं ये। मुझे अगर आप सोचें माशाल्लाह ट्रे लेके नाश्ते के मेरे पास आते हैं, मुझे एवरी सेकंड डे जो है ना मेरे पास ट्रे में ब्रेकफास्ट आ रहा होता है। माशाल्लाह मील तैयार करूं, पूरी फैमिली को बुलाऊं, चाय भी फटाफट नीचे आ जाए। अच्छा, मैं पता खाना क्यों नहीं बनाता, क्योंकि अगर मैं बनाऊं तो बच्चे कहते हैं कि पापा आप तो बहुत अच्छा बनाते हैं। मामा, मैं फिर कहता हूं कैसे उनको आदत पड़ गई। जी, वो मैं यूएस गई थी तो उन्होंने ना बहुत ही मजे के, वैसे मैं खुद भी हैरान हो गई जब इन्होंने मुझे पिक्चर भेजी, इतने गोल आलू के पराठे और इतने आलू के पराठे और पता नहीं क्या पराठे। आप इस मामले मेरे मियां के साथ आटा गूंथ सकते हैं, बहुत अच्छा आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाते हैं, चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं, आजकल तो डिश वॉशर भी बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, कोविड में बहुत चेंज नहीं, वो कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया। देखिए जी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, जैसे आपने बात की कि बच्चों के साथ, और ये कहती कि मैं लीनियंट हूँ इस मामले में, आप ज़रा थोड़ा सा सख्ती करती हैं। मैं ये सोचता हूँ कि बच्चियाँ जो हैं वो माँ बाप के घर होती हैं तो वो जितना इंजॉय कर सकें वो करें। अभी कल की बात है, मेरी बेटी ने पूछा कि मामा मैंने ऑटवा का ट्रिप प्लान करना बाय रोड, तो इसकी मामा कहने लगी नो आप नहीं कर सकती। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा बेटा जाओ इंजॉय करो अपनी लाइफ, फ्रेंड्स के साथ जा रही है उसकी, तो मैं दो तीन फ्रेंड्स हैं, वो ये कहती कि पापा बहुत चिल हैं। मेरा ये होता है कि इंजॉय करने दे मां-बाप के, उस मामले में हम भी नहीं रोकते। नहीं, मुझे पेरेंट्स के घर है, मैं थोड़ा सा डरती हूं, ड्राइव है, ये है, इन चीजों से मैं डरती हूं, और कुछ नहीं होता। बच्चे तो माशाल्लाह समझदार है। लेकिन वो कहते हैं ना, बड़े ऐसी बात किसी वजह से नस्ल दर नस्ल चलती है कि खिलाओ सोने का नवाला लेकिन रखो शेर की नजर। तो हम तो इस पे बड़ा वो सख्ती से अमल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे बच्चे भी बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन एक बात और बताऊं कि अब क्या मैं बच्चों को बच्चा तो नहीं कहूंगी, माशाल्लाह अब तो वो फ्रेंड्स हो गए हैं मेरे, अब तो वो टाइम गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेनिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब अपनी अपनी जगहों पे अच्छा पढ़ रहे हैं, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो आप सोचें, मैं अली से भी कहती हूँ, मैं तो मशवरे लेती हूँ, मैं अली से भी कहती हूँ कि कोई बात हो तो बच्चों से पूछो। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि बड़ा अच्छा मशवरा, बहुत अच्छा मशवरा, बहुत अच्छा गाइड करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल बच्चे मैंने देखा वो हमसे ज्यादा अच्छी डिफरेंट थिंकिंग है जी उनकी, एक ओपिनियन होती है, वो ओपिनियन जो है वो जरूर लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा वापस आते हैं Z9 की तरफ। Z9 को आप दोनों कहाँ देखते हैं, ये एंड है या आगे है, इसे आगे लेकर जाना है, कहाँ देखते हैं? नहीं, आगे तो बहुत लेकर जाएंगे, जब तक जिंदगी है, जब तक सेहत है, बैठेंगे नहीं, चलता रहेगा। लेकिन होता है ना कि इस नाम को एक आगे लेके जाएं, और बड़ा और बड़ा, फ्यूचर इसका क्या है Z9 का बताएं जी।
देखिए फ्यूचर जो है, जैसे मैंने बताया कि 92 से लेके अब 2020 अब तो दरख्त फल दे रहा है माशाल्लाह, जो बेबी लगाया था आपने जी नाइन, एक जिसे कह लें कि इस टाइम जो है ऑटो पायलट पे है। मैं जी नाइन प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ, जो हमारा डिज़ाइन और प्रिंट बिजनेस है माशाल्लाह, इस पे है इंशाल्लाह। हमारा ये कि अब इसको थोड़ा सा हम और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह जैसे हमने चैनल 2 साल पहले शुरू किया, अब माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं, क्योंकि जी नाइन का ये है कि यहाँ कनाडा में भी है, अमेरिका, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, इवन यूरोप में, दुबई, सब जितने मोस्टली IPTV जितने भी हैं या ये रोको TV जहाँ भी है, सब जगहों पे देखा जाता है और लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं, फीडबैक आता है, बड़ा अच्छा फीडबैक आता है और उसको पढ़ के सुन के मैसेज बड़ा खुशी होती है कि यार हम चलो कुछ कर। देखिए मैं आपके सामने 2 साल से मतलब चैनल जितनी हमने एफर्ट की है और कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है, पहले तो बच्चा था छोटा सा, होश ही नहीं थी, क्या पैंपर में ही था समझे, अब पैंपर तो से निकल के थोड़ा सा निकर में आ गया निकर में आ अभी गया। पेंट शर्ट में नहीं आया, इंशाल्लाह वो भी आएगा और इंशाल्लाह आएगा ये ना पेंट शर्ट, क्या ये ड्रेसअप होके नजर आएगा कि G9 चैनल कोई है, चैनल के साथ इंशाल्लाह हमारा जो मेन आगे अब ऑब्जेक्टिव है वो हम हमारा है कि हम प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, TV ड्रामास की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, वीडियो सॉन्ग्स और इस तरह की जो प्रोडक्शन है हम डेफिनेटली, क्योंकि हमने पढ़ा है, हम कोई मौसमी बटेरे नहीं है भाई कि हमने इधर ये IPTV को देखा और हमने शुरू कर लिया, हम तो वो जिसे कहते हैं ना मगरमच्छ की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे हैं, हमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं देखी, हमें ये शुरू करना चाहिए, हमें तो लोगों ने जिसे कहते हैं ना पत्थर मार के जगाया, जागो भाई आपके यहाँ के लोगों ने, हमें पाकिस्तान से जो लोग हमें जानते हैं, अलीशा कौन है, राबिया कौन है, हमारे जो क्लास फेलोज हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको पता है इस टाइम की मतलब एक पोस्टों पे है, फाइन आर्ट्स के जितने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनकी बैकबोन है वो लोग, प्रोडक्शन वीडियो ड्रामा हर जगह पे एक एक हमारा स्टूडेंट जो है हमारे क्लास फेलोज हैं वो बैठे, वो हमें कहते थे यार आप लोग क्या कर रहे हो भाई प्रिंटिंग में घुस गए हो खा लिया, मेहनत का फल तो मिलता है, उन्होंने हमें जगाया कि भाई आप कुछ क्रिएटिव की तरफ जाओ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ट्रैक पे हैं। है अली भाई जब ये आपने बनाया था प्रिंटिंग का, हाँ, तो 10 साल पहले तो जफर भाई को जब पता चला था तो उन्होंने कहा था कि देखना ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये कनाडा का नंबर 1 बंदा होगा प्रिंटिंग में, ये इतना ईमानदार और इतना समझदार बनता है, और हमने अपनी जगह बनाई है, हमने अपनी जगह मेहनत से बनाई है, हमने किसी का हक नहीं मारा, बिल्कुल सही। यहाँ बेशुमार प्रिंटिंग शॉप से मेरे इस एरिया 5 किलोमीटर अंदर के 50 प्रिंट शॉप से हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मेहनत और अपने काम से पहचान बनाई, हमने कुछ शॉर्टकट से नहीं बनाई, हमने किसी की हक तलफी नहीं की, ना ही हमने वो चीप हरकतें जो होती है प्राइसेस कम कर दी ये कर दी हरकतें, नो, हमने अपनी गुडविल जो बनाई है अपनी मेहनत और हमने अपनी सर्विस से बनाई है। लोग अगर मेरे पास आते हैं या जी नाइन को जानते हैं तो उनको लोग रेफरेंस से आते हैं कि यार अगर अच्छा काम करो तो वहाँ चले जाए, सर्विस भी अच्छी है, काम भी अच्छा और बंदे भी अच्छे हैं, आपको डॉज नहीं देगा। अगर मेरे पास कोई आता है वो कहता है यार मुझे ये बना, मैं उसे कहता यार ये मैं नहीं करता, ये नंबर है आप इस बंदे के पास चले जाओ, बिल्कुल सर, मेरा ये लालच नहीं होता कि भाई मैं इसमें से $10 बचा लूं और आगे से काम करवा के तो इसको पकड़ा दूं, नो नेवर। मेरे पास इतने लोग आते हैं यार हमें मिडल मैन एजेंट के तौर पर, हमने कहा जी प्राइस, मैं कहा नो, मैं आपको $10 दूंगा आप आगे $15 उसकी प्राइस दोगे, और वो कहे यार ये तो महंगा, आप कहोगे जी Z9 वालों ने मुझे ये प्राइस दी है, तो नो, मुझे उस $2 बचाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैंने कभी इस तरफ गया ही नहीं, कमीशन ये वो मामला होते हैं, मेरे पास रियल स्टेट के 99% मेरा रियल्टर जो है वो कस्टमर है, मुझे इतना वो हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, शाह जी को रेफरेंस दिया करें $1000 हम देते हैं,
मैं उनसे कहता हूँ कि यार देखे आप मुझे सारा साल बिजनेस देते हैं, अगर मेरे पास कोई रेफरेंस होगा तो मुझे देने में खुशी होगी कि मैंने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, ना कि मैं $1,000 के लालच में आपको बिजनेस दूंगा। नो, नेवर। अगर नहीं है तो साफ जवाब है, नो सॉरी मेरे पास नहीं है। अगर होगा तो मैं देखूंगा कि यार ये बंदा अच्छा है, नियत वाला है, चार लोग हैं उनमें से मैं कहूँगा ये तीन लोग हैं इनको कॉल कर लो, अगर आपको जो अच्छा लगे उसको बिजनेस दे दो। तो मेरा तो ये असूल है। तो नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे ज़रूर ये ऐड करूँगा और Z9 के बारे में बता दूँ कि अलीशा और राबिया काज़मी ना सिर्फ Z9 TV के फाउंडर हैं बल्कि जिस तरह वो डिसिप्लिन्ड और एक बड़ा कंपोज होकर काम करते हैं और कस्टमर सर्विस पे बहुत बिलीव करते हैं, तो यही रीज़न है कि इस बिज़नेस को प्रॉस्पर होने में इन चीज़ों ने बहुत रोल अदा किया है और आइंदा भी वो करते रहेंगे। और मैं ये देखता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ कि जितने भी लोग GTA में हैं और GTA से बाहर इवन, वो अलीशा पे बिलीव करते हैं और अलीशा को प्रिंटिंग का काम देते हैं ताकि वो क्वालिटी ले सकें, क्योंकि ये दोनों राबिया काज़मी और अलीशा क्वालिफाइड हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। तो मैं और ओन करते हैं, ये नहीं कि मैं इनके बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी कोई काम प्रिंटिंग का मीडिया के हवाले से और हवालों से कोई उनसे राय लेनी हो तो ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें। और हमारे Z9 TV की एक बड़ी ज़बरदस्त टीम भी इन्होंने ये मैनेज करते हैं और ये टेक्निकल भी बहुत हैं, तो वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम। तो आइए उनसे बात का सिलसिला जारी करते हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं कि Z9 के हवाले से अगर वो कोई चीज़ और ऐड अप करना चाहें तो। जी अलीशा, मैंने जो है वो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ये मेरे दिल की आवाज़ थी। थैंक यू, आपने जो बोला सच बोला। जी, जी, सच की आवाज़ सच की। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम बात करते हैं लोग सुनते हैं, लाजमी चीज़ें ऑन एयर चीज़ें जाती हैं, तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जब आपको मुँह से बोलें तो वो किसी न किसी, चाहे वो हमसे कुछ जूनियर है लेकिन वो उसको असर ज़रूर करती है। तो हमेशा बात, वो कहते हैं ना कि बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए फिर बात करनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो मैं इसीलिए, चूँकि अब मुझे प्रैक्टिकली 30 साल हो गए इस प्रोफेशन में और सिर्फ प्रिंटिंग में, सिर्फ प्रिंटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन और ग्राफिक्स के अंदर जो है मैंने, मतलब एक ज़िंदगी में जब से वो संभाली और प्रिंटिंग में गया हूँ तब से प्रिंटिंग में ही खेला और उसको इंजॉय किया है। इंजॉय किया मेरी लाइफ में, मतलब ऐसे भी दिन रात है 24 घंटों में से 22 घंटे काम किया है, उसके बाद भी थकावट नहीं हुई, क्योंकि वो दो घंटे जो सोए हैं वो भी लगा ऐसे टाइम वेस्ट किया है, मज़ा नहीं आया सो के भी ना। तो इस तरीके से काम, और अभी भी मतलब अब मैं बच्चा तो नहीं हूँ, अब माशाल्लाह 50+ में मैं भी हूँ, लेकिन अभी भी आप आते हैं तो देखते, मैं सुबह अगर 10 बजे आए तो रात को 10 बजे स्टूडियो से निकल गया, 6 बजे तक हम अपने 5 बजे तक प्रिंटिंग का सारा करते हैं और उसके बाद स्टूडियो में इन हो जाते हैं रात 9-10 बजे तक स्टूडियो। आपको पता है रमज़ान शरीफ में मैं कई दफ़ा सुबह सैरी करके यहाँ से गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें होती है ये आपके लाइफ को एनर्जी देती हैं। वो क्यों देती है कि हम अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हैं। सिंसियर है, बिल्कुल सही है। अगर हम अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर तो नहीं है, आप फाउंडर हैं, आप ओन करते हैं इसको, जाहिर सी बात है जब इतनी। देखिए ये जो चीज़ें, ये तो एक लेबल है ना, ओनर होना CEO होना ये तो लेबल है, ये तो आप किसी तरीके से भी ले लेते हैं, लेकिन असल चीज़ होती है कि आप का जो एक ट्रैक है वो क्या है, आप कर क्या रहे हैं, आप बिजनेस के साथ कितने डिलिजेंट हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, कस्टमर सर्विस कैसी है आपकी, इन सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हें भी याद होगा, हम जब 2007 में आए तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं ज़ियाबाज़ जो है ना,
तो वो मिलने हमें आए, उसको पता चला कि यार अली शाह रबे आए हैं, तो क्योंकि वो मुझे ना उस्ताद कहता है ज़ियार अब्बास जो है ना, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी जब थे तो ये जूनियर थे मेरे से ज़ियार अब्बास, जो रियल्टर हैं आप, जो रियल्टर है वो भी माशाल्लाह एक नाम है कम्युनिटी में, नाम है जिसे कह रहे हैं रियल स्टेट का, मैं उसे किंग कहूँगा कि वो किंग बन रहा है। तो आया तो कहता है यार उस्ताद के बदले उतरवाने का टाइम आ गया। और सबसे पहले उसने एडवाइस किया कि रियल स्टेट का लाइसेंस ले लें हम, तो हमने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, क्योंकि आप आपकी हमारी वो सोच नहीं। देखे पैसा जो होता है वो सारा कुछ नहीं होता जिंदगी में, पैसे से जो है आपका माइंड और दिल को सुकून नहीं मिलता, सुकून उससे मिलता है जो आपका प्रोफेशन है और आप उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं। अगर आपकी 8 घंटे की कोई जॉब है और 8 घंटे अगर आप वहाँ दिल लगा के अपने उस हिसाब से जॉब को पूरा नहीं करते, तो आप जब घर भी जाते तो आप फिर यार आज तो मक्खियाँ ही मारी हैं, कुछ भी नहीं किया है, तो वो आपको चाहे वो जॉब है चाहे आपका पर आप मतलब ऑनर है या कुछ भी है, तो वो कुछ ये चीज़ें काम, तो ये चीज़ें जो है ना जिंदगी में अचीवमेंट्स के लिए जो है आपका अपनी जात के साथ मुखलिस होना बहुत जरूरी, और अपनी जात के साथ तभी मुखलिस होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, घर जब जाते हैं हम पूरे डे की कोई कैटासिस करते हैं, कोई बात करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि सुकून की नींद सोते हैं, मतलब ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हमें लगता है कि हम कभी किसी का हक नहीं मारते और कोशिश करते हैं कि ईमानदारी के साथ काम करें और बस दुआएं लें लोगों से। और जैसे अली ने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी से काम करेंगे तो पैसा भी आ ही जाता है, लेकिन तो आता पैसे ही है। के पीछे भागना नहीं, पैसा तो आपके पीछे आता है, आप पैसे के पीछे जाए तो पैसा तो दूर चला जाता है। बिल्कुल। आज स्पेशल एपिसोड हमने आपके साथ किया क्योंकि आप स्पेशल लोगों का स्पेशल एपिसोड, तो टाइम का पता ही नहीं चला, इतनी प्यारी बातें हुई आप लोगों के साथ, इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें बहुत अच्छा लगा आज फूलों के रंग से, फूलों के रंग से, और सारा कहते ना बिहाइंड द कैमरे से आज हम सामने फ्रंट पे आके बैठे हैं फॉर अ चेंज, हमें भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो ऐसा ही हो रहा होता है कि हम कंट्रोल रूम में हैं या घर से अरेंज कर रहे हैं, तकरीबन जैसे कह ले 30 मंथ्स में मैं कैमरे के सामने सेकंड टाइम हूं। वरना लोगों को बहुत शौक होता है क्योंकि मेरा चैनल है, मैं तो सबसे आगे, लेकिन ये है कि आप इंशाल्लाह मैं रेगुलर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। अरे वेरी गुड, तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया हमें बुलाने का। अरे कैसी बात है, आपने इनवाइट किया तो शुक्रिया, ये टाइम देने का, हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाए और एंड में और मैसेज ले लें, बहुत एंजॉय किया आप दोनों, बहुत एंजॉय किया, और दिल नहीं कर रहा था कि हम इस कन्वर्सेशन को फिनिश करें बल्कि सुनते जाएं, और इसका सिलसिला जारी रहेगा आपसे घर में ब्रेकफास्ट के ऊपर ये सिलसिला जारी रहेगा। तो एंड में अली शाह और राबिया काजमी, अगर आप अपने व्यूअर्स को मैसेज दें तो ये बहुत अच्छा होगा और वो यकीनन सुनना चाहेंगे। देखो व्यूअर्स के मैं तो हमेशा एक ही बात करता हूँ कि अपनी ज़ात के साथ हमेशा सिंसियर रहें। अगर आप अपनी ज़ात के साथ सिंसियर हैं तो आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर होंगे, आप अपनी फैमिली के साथ सिंसियर होंगे। हमेशा अपने आप को प्रेफरेंस दें, ना कि दूसरों को प्रेफरेंस, फैमिली को हमेशा प्रेफरेंस दें, फैमिली फर्स्ट ऑलवेज, उसके बाद आपका प्रोफेशन, और प्रोफेशनल बनने की कोशिश करें, ना के रोलिंग स्टोन बनने की कोशिश करें कि आप बताने में भी हिचकिचाहट करें कि आप करते क्या हैं। मेरा यही मैसेज है, चाहे वो कोई सीनियर है चाहे कोई जूनियर है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अपनी ज़ात के साथ सिंसियर हों और अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर। शुक्रिया जी। बिजनेस की बहुत सी बातें होगी, मैं छोटी सी बात करूंगी कि दिल साफ रखें और गलत फहमियाँ दूर करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे नाराज़ है तो उसको जाके मना लें, ज़िंदगी बहुत छोटी है, प्यार मोहब्बत से गुजारेंगे तो बहुत अच्छी गुजरेगी और सुकून की नींद आएगी। हाँ, इसमें मैं एक और बात करूँगा कि जो जिस प्रोफेशन का प्रोफेशनल बंदा है, एक्सपर्ट है, उसको देखा देखी उसको कॉपी करने की कोशिश नहीं करें,
उस जैसा बनने की कोशिश करें। जब उस तरह उस लेवल पे आप चले जाएंगे तो फिर आपको सोच आएगी कि यार वो जो प्रोफेशनल बंदा जो बात करता था वो सही करता था, जबकि उसको नकल करने वाला जो है वो उसकी नकल करने की कोशिश करता था लेकिन उसके प्रोफेशनल होने से इनकार करता था। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोफेशनल बने और प्रोफेशनल जो है उसकी रिस्पेक्ट करें, ना कि उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करें। बहुत खूबसूरत बात, इसी बात से हम एंड करेंगे। जैसे कि राबिया ने कहा और अली साहब ने कहा कि राबिया ने कहा कि बहुत छोटी ज़िंदगी है, अगर कोई नाराज़ है तो उसे मना लें, और अली भाई ने कहा कि जो ज़िंदगी है या जिस तरह भी जो अपना बिजनेस है प्रोफेशनल बने और अपने प्रोफेशन से प्यार करें। इसलिए कि मैंने तो सारी बातें टेक्निकल की हैं, तो आप टेक्निकल बंदे हैं, आप टेक्निकल बात करेंगे। मैंने इस वजह से की है कि उस तरफ कुछ सोचता ही नहीं है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। शॉर्टकट से जो है कामयाबियां नहीं मिलती, वो टेम्परेरी होती हैं, खुशियां भी टेम्परेरी होती हैं। बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है। कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका प्रोफेशन जिस तरफ जाना चाह रहे हैं आप उस तरफ उसको हो उसके साथ मुखलिस हो। जी नाज़रीन, तो आपने कितनी खूबसूरत बातें सुनी दोनों की, और इसके साथ हम एंड करेंगे। और एक छोटी सी बात कि जैसे राबिया ने कहा कि खुश रहें, खुश रखें, और अगर कोई नाराज़ है तो उसको मना लें, ज़िंदगी बहुत छोटी है। और ज़िंदगी में एक बात और मैं इसमें ऐड करूँगी कि ज़िंदगी में प्लीज़ कोशिश करें कि जहाँ जितनी बात हो उसको वहाँ उतना ही रहने दें, और अगर किसी की परेशानी है तो उसको परेशानी बना के मत बताएं, कोशिश करें कि लोगों को मिलाएं, लोगों को एक साथ इकट्ठा करें, ना कि कोशिश ये करें कि लोगों के बीच में इख्तलाफात पैदा करें। आप कोई रहेंगी प्लीज़? नहीं, बस आपके खूबसूरत मैसेज के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और राबिया और अली शाह का हमें फिर शुक्र करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक फिर फूलों के रंग से, फिर दो फूलों के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।